Okay, so first thing that citizen charter means that where the governance can be made according to the or can be pro citizen. This citizen charter is very new for Indian gov government system. But if you see, when uh, in, in in UK it was started in 1991, and later on is, it was incorporated in the Indian governance mechanism. But till date, the problem with regard to the citizen charter is it is not legally enforceable per se. But you can say with various right to services act, a kind of insurance assurance has been given to the people. Let us say uh, let us say if you have a right to service act with a with a Delhi government, okay. You want to you want to go and get your license done. Take okay, license. So they will be giving you a full time frame, case time frame mein aapka license. Mil okay. So this is where you can see that citizen charter has been somehow incorporated, not directly. अब पहले समझ लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली चार्टर तो चार्टर चार्टर मींस व्हाट इज अ चार्टर कभी भी ऐसे टर्म्स आए ना लेटेस्ट इन एग्जामिनेशन इज अ क्वेश्चन व्हाट इज सिटीजन चार्टर सो फर्स्ट यू नीड टू टेल देम व्हाट एग्जैक्टली इज सिटीजन एंड व्हाट एग्जैक्टली इज चार्टर मतलब तो चार्टर बेसिकली इट इज अ डॉक्यूमेंट इट इज अ रूल बुक विच टेल्स हाउ द सर्विस शैल बी डिलीवर टू द सिटीजन ये बताएंगे कि सिटीजन को कैसे सर्विस डिलीवर की जाएगी आप जैसे बैंक जाते हैं ठीक है इन बैंक ओनली वेन यू लिख एंटर द बैंक तो सामने लिखा होता है कि हमारे यहाँ यह सर्विस इतने समय में दे दी जाती है तीन घंटे में आपका ड्राफ्ट बन जाता है दो दिन में चेक इशू हो बुक इशू हो जाती है सो दैट इज नथिंग बट अटीजन चार्टर सो अल्टीमेटली इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच ऑर विच बेसिकली इंश्योर्स दैट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी हैज़ बीन मेंटेन्ड एक बात याद रखना जब भी हम गवर्नेंस का आंसर लिख रहे हैं तो ये टर्म्स हैं ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस ये जरूर लिखने हर जगह मतलब क्वेश्चन अगर अलाइन हो रहा है सिटीजन चार्टर तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्या है पूरी गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है पूरे सिस्टम का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट शुड भी अकाउंटेबल गवर्नमेंट शुड भी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट शुड भी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट शुड भी बेसिकली वर्किंग अकॉर्डिंग टू पीपल दैट इज सिटीजन फ्रेंडली तो चार्टर क्या हो गया इट इज़ नथिंग अ सेट ऑफ कमिटमेंट ये वो कमिटमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट आपकी आपको बताती है वाइल यू आर गोइंग टू गेट सर्टन काइंड ऑफ सर्विस ठीक है अब जैसे कि इसको अगर हम बात करेंगे सबसे पहले 91 में यूके में लाया गया यूके से इसको हमारे यहाँ पे लाया गया था अनल्टीमेटली अगर आपकी सेकेंड से की बात करें या फिर ओवर द टाइम रिफॉर्म्स की बात करें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस की बात करें सो टाइम एंड अगेन इट हैज़ बीन सेट ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो फॉर लार्जर पब्लिक बेनिफिट वी शुड इंप्लीमेंटेड तो इस तरह से हमने सिटीजन चार्टर को इंप्लीमेंट किया अब टू थाउजेंड इलेवन में एज सच सिटीजन चार्टर की इंप्लीमेंटेशन की बात तो कभी नहीं की गई लेकिन एक लेजिस्लेटिव स्टेप की बात की गई ठीक है जिसको हम बिल कहते हैं सिटीजन चार्टर बिल ऑफ टू थाउजेंड इलेवन बट अल्टीमेटली क्या हुआ यह बिल अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है पार्लियामेंट इस बिल को नहीं ले रही है 2011 के इस बिल ने एक रोड मैप दे दिया टू टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स अब नाउ व्हाट स्टेट गवर्नमेंट्स आर डूइंग वो अपने अपने लेवल पे ना लॉज लेके आ रही हैं ठीक है राइट टू सर्विसेज एक्ट बिहार लेके आया फिर दिल्ली लेके आया फिर उड़ीसा लेके आया सो टाइम एंड अगेन वेरियस स्टेट्स आर पासिंग दीज काइंड ऑफ लॉज एंड दीज लॉज आर नथिंग बट दे आर दी मैंडेट्स की जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं वो कैसे होगी देखो जैसे जैसे गवर्नमेंट स्पीडअप अगर करती है सर्विस को तो स्पीडअप करने का एक सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अकाउंटेबिलिटी अगर स्पीड अप हो जाएंगी सर्विसेज तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो जाएगी अब गवर्नमेंट को पता है आपको सर्विस इतने समय में देनी है अकाउंटेबिलिटी जब आ जाएगी तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी गवर्नमेंट को पता है आप लोग बाहर से सर्विस डिमांड कर रहे हो यू आर एबल टू सी वॉट इज गोइंग ऑन सो दिस इज य ट्रांसपेरेंसी विल कम तो हम सिटीजन चार्टर तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए लेकिन स्टेट लेवल पे हमने अलग अलग लॉस को पास कर दिया लेकिन आपका यही सजेशन रहेगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर इन अ लीगल फॉर्मेट विल बेसिकली और विल फर्दर लाइक सोल्व द प्रॉब्लम सोल्व द क्राइसिस जो भी गवर्नेंस की क्राइसिस भी पढ़ रहे हैं कि अगर स्टैंडलॉन क्वेश्चन नहीं आता है आपको कोई आंसर लिखना है ठीक है रिफॉर्म्स इन गवर्नेस आप सिजन चार्टर की बात कर दो ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब सिडन चार्टर इंप्लीमेंट हो जाएगा तो थिंग्स विल भी मच बेटर ठीक है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने अपना एक मॉडल चार्टर बनाया था उन्होंने बताया कि कैसे अलग अलग सेक्टर्स में हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कैसे अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स को एस के जो गोल्स हैं हमारे कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो अब क्या हो गया सिटीजन चार्टर ने एक रोड मैप बना दिया जैसे कि हम जब ने जब आपने यहाँ पे आप एडमिशन लिया था तो आपको एक पूरा कोर्स वर्क मिला था वो एक सिटन चार्टर ही था वो स्टूडेंट चार्टर था कि हम क्लासेस को ऐसे ऐसे कंटिन्यू करेंगे अब उस दिन उस टाइम पे क्लास होगी अगर उस समय में बैच कंप्लीट नहीं हुआ हाँ ऑब्वियसली कोई रिकॉर्ड्स मैकेनिज्म नहीं है ठीक है कंप्लेंट सिस्टम में आप जाके बोलो कि क्लासेस जो है डिले चल रही हैं या फिर क्लासेस टाइम पे नहीं पूरी हुई सिमिलरली गवर्नमेंट सर्विसेज में यू कैन गो एंड स्पीक अप एंड यू कैन टेल द गवर्नमेंट कि देखो हमें सर्विस प्रॉमिस की गई थी ये सर्विस हमें हमारी पूरी नहीं की गई है तो अभी तक ये प्रॉब्लम आ रही है इस चार्टर के साथ कि ये चार्टर जो है आप इन्फोर्स नहीं करा सकते यह आपके लिए एक रोड मैप है अच्छा आपसे ज़्यादा एक गवर्नमेंट के लिए रोड मैप है सर्विस डिलीवरी वाले के लिए रोड मैप है कि सिटीजन को क्या क्या सर्विस देनी है तो सिटीजन को क्या सर्विस चाहिए वो तो उसने बता दिया अब क्या सर्विस देनी देनी है कितने देनी है कितने टाइम में ये सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स आपको सिटीजन चार्टर में मिलेंगे अच्छा वेन एवर यू राइटिंग क्वेश्चन इन एथिक्स लेटेस्ट से अगर आप केस स्टडी भी लिख रहे हो और केस स्टडी में कोई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है ठीक है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है तो वहां पे आप ये सिक्स प्रिंसिपल जरूर लिख के आना है. कि अकॉर्डिंग टू सिर्जन चार्टर या अकॉर्डिंग टू दी न्यू एंसिस और बेसिक्स ऑफ सीजन चार्टर ये छह प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिर्जन चार्टर के छह प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि सर्विस शैल बी क्वालिटीफाइड मतलब सर्विस जो होगी वो क्वालिटी बेस्ड होगी दूसरा है चॉइस होगी कि कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है तीसरा है स्टैंडर्ड होगा अक्रॉस द पीपल सर्विसेज वैसे ही डिलीवर की जाएंगी जैसे एक जने को मिली है वैसे ही सबको मिलेगी देन अल्टीमेटली पब्लिक पर वैल्यू का ध्यान रखा जाएगा कितने कम दाम में कितने कम प्राइसेस में आप उस सर्विस को स्केलेबल कर सकते हो ठीक है अब लेटस्ट से गवर्नमेंट वांट्स टू ओपन अप पोस्ट ऑफिस अकाउंट अब एक पोस्ट ऑफिस अकाउंट को खोलने चलाने में ही इंडियन पोस्ट का खर्चा लेटर्स से हजार रुपये आ रहा है और उसमें सेविंग्स कितनी आ रही है पाँच सौ सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज इन टू लॉस सो आप स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर दें लेकिन आपको सेम टाइम इकोनॉमिक गवर्नेंस भी देनी है इकोनॉमिक गवर्नेंस इज ऑल्सो टाइम नीड ऑफ दर बिकॉज विथ सो मच ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दर इज अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन दी पब्लिक मनी ठीक है और उसकी वजह से हमारे फिजिकल एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे हैं तो सिटीजन चार्टर आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रोविजन भी दिखाता है कि देखो सर्विसेज अच्छी भी देनी है लेकिन सस्ती भी देनी है तभी जो है सस्टेनेबल होगी और जब ये सारी चीज़ें मीट हो जाएगी वन टू थ्री फोर सो ऑटोमेटिकली आपकी अकाउंटेबिलिटी एंड योर ट्रांसपेरेंसी विल बी मेनटेन ठीक है तो ये छह पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बाकी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सिजन चार्टर विजन और मिशन बताता है डिटेल्स बताता है स्टेटमेंट बताता है अब सबसे बड़ी बात है कंप्लेंट पूरी नहीं हो आपकी सर्विस uh, पूरी नहीं हो रही है तो कहाँ जाना है कंप्लेंट किसको देनी है ये भी यहां पे यह बताता है सो दिस इज वेयर दिस इज यू कैन सी दैट सिजन चार्टर हैपन्स टू बी एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अब आपको क्या करना नोट्स में आपके सिजन चार्टर में ये जो पॉइंट्स मार्क किए हुए ना ये आपको रट के जाने क्योंकि ये ऑटोमेटिक देखो ये वाले जो पॉइंट्स है ना मीनस पे हम बिल्ड कर सकते हैं हमें बस ये हेडिंग्स याद आनी चाहिए तो पहली चीज़ है कि फीचर्स में स्टैंडर्ड सेट कर देता है हमने देख लिया कितने समय में दी जाएगी क्वालिटी दी जाएगी इकोनॉमिकली दी जाएगी फिर ओपननेस दे देता है आपको पता चल जाएगा कि 28 दिन में, में मेरी सर्विस मुझे मिल जाएगी सो यू स्टार्ट काउंटिंग 28 डेज अच्छा सिरेंड चार्टर होने से ना जो पब्लिक ग्रीवांसेज हैं वो भी कम हो जाते हैं बिकॉज आपकी जो कंप्लेन्ट्स पाइलअप हैं वो नहीं होने लगते बिकॉज आई नो माई

जो हम टाइमली डिलीवरी की बात करते हैं वो कभी टाइमली डिलीवरी होती ही नहीं है सर्विस टाइमलाइंस मीट नहीं होती ग्रीवांस जैसे मैंने कहा ओवरबर्डन रहते हैं तो ग्रीवांस रिजोल्यूशन नहीं हो पाता देन अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है विद रिगार्ड टू देयर सर्विसेज इन फ्रेंड यहां आने से पहले शायद ठीक है आप लोग तो इतने बड़े हो गए लेकिन अभी भी मोस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री डोंट नो वट काइंड ऑफ सर्विसेज दे कैन अवेल फ्रॉम दी गवर्नमेंट गवर्नमेंट उनके लिए क्या क्या सर्विस के लिए बाध्य है दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट देन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि हम सिटीजन चार्टर बनाते समय जो मिनिस्ट्रीज हैं वो तो चार्टर्स बना देती हैं टॉप लेवल पे बैंक ने क्या किया टॉप लेवल पे बना दिया हेडक्वार्टर लेवल पे चार्टर हमेशा ऊपर लेवल पे बनते हैं ठीक है ठीके? अब प्रॉब्लम ही आ जाती है ग्राउंड वर्क हुआ नहीं होता ग्राउंड रियलिटीज नहीं पता होती अब आपने बैंक की ब्रांचेस को सिटीजन चार्टर दे दिया बैंक कह रहा है सर ठीक है आपने सिटेन चार्टर तो दे दिया अब हमारे पास दो ही एम्प्लॉयज हैं वही कैशियर है वही मैनेजर है ठीक है थोड़ी देर कैशियर बनता है थोड़ी देर मैनेजर बन जाता है तो ऐसे में हम ये सर्विसेज को स्पीड अप करें कैसे तो ह्यूमन रिसोर्स क्रंच देन उसके बाद गवर्नेंस में ई e गवर्नेंस नहीं है या फिर कहो ई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बैंक्स के पास अगर हम एक बैंक्स का एग्जाम्पल लेके चलें दूसरी तीसरी बात है कि वहाँ पर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है आपके पास ई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है लेकिन बैंक ने तो डिसाइड कर दिया है कि यार ये सर्विस आपको इतने दिन में देनी ही देनी है आपको ड्राफ्ट जो है दो घंटे में इशू करके देना है बैंक के सर्वर्स काम नहीं कर रहे होते सो अल्टीमेटली डिले होती हैं और इस तरह से कोई एडिक्वेट ग्राउंड वर्क नहीं है हमारे चार्टर को बनाते समय यही अगर आप दूसरे किसी डिपार्टमेंट में ले जाओ राशन 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 लाइस के इशुएंस में ले जाओ तो वहाँ भी यही सिमिलर प्रॉब्लम है आधार कार्ड से लिंकेज नहीं हो पाता आधार कार्ड का सर्वर वर्क नहीं करता जिस एरिया में राशन कार्ड बन रहा होता है वहाँ पे 4G सर्विसेज या फिर इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विसेज नहीं है प्रॉपर सो दिस इज वेर यू कैन सी कि बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं इसीलिए आपको ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए एडिक्वेट ग्राउंड वर्क को देखते हुए स्टेंट चार्टर इंडिया में बनाना पड़ेगा ठीक है तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है फिर जैसा कि मैंने बताया कि लोगों के वही नहीं पता लोगों को इंटरेस्ट नहीं पता क्या है क्या सर्विसेज चाहिए आपने अपने एंड पे उसको ड्राफ्ट कर दिया वट पीपल आर लुकिंग फॉर यू आर नॉट कंसर्न अबाउट सबसे बड़ी बात है कि लैक ऑफ नॉलेज इन चार्टर्स को लेकर नहीं है एंड एफिशियंसी नहीं है विद रिगार्ड टू द कंप्लेन्ट्स अब कंप्लेट तो आ रही हैं बट दे आर नॉट आउट सो अगेन आपने कंप्लेंट कर दी और आपकी कंप्लेंट कभी सुनी नहीं गई तो फिर दैट कंप्लेट डनी वैल्यू इन दिस्टम चार्टर बाकी चार्टर में आपसे क्या पूछा जा सकता है ये तो एक ग्राउंड वर्क था देअर कैन बी वट आर दजेशन लेटेस्ट से आपसे केसडी भी पूछी जा सकती है यू आर यू हैव बीन आज टू ड्राफ्ट अटर ठीक है सो वट द चार्टर शेल लुक लाइक आप कैसा चार्टर ड्राफ्ट करोगे अगर आप वही सारी बातें लिख के आओगे पीछे हैं तो वो तो वैसे भी ऑलरेडी काम नहीं कर रही उसमें शॉर्टकमिंग है तो आप बताओगे जी मैं ये सब चीज़ें करूंगा मैं क्या करूँगा चार्टर को इफेक्टिव करूंगा मैं पेनल्टी कंपनसेशन लगाऊंगा सबसे पहले तो मैं चार्टर को बनाते समय वाइड कंसल्टेशन करूंगा देखो वी आर इन द वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी तो एक बात हमेशा याद रखना कि डेमोक्रेसी में गवर्नेंस भी टू वे होती है हमने ये बात देखी थी कि गवर्नेंस इज अ टू वे प्रोसेस तो सबसे पहले चार्टर डिजाइन करने से पहले मैं उन लोगों से बात करूंगा जाके वाइट कंसल्टेशन प्रोसेसिस करूंगा कि वट काइंड ऑफ सर्विस यू आर लुकिंग फॉर वट इज द अमाउंट ऑफ मनी यू वॉन्ट टू पे एक बेसिक मिनिमम अमाउंट अगर आप अपनी पॉकेट से पे कर सकते हो ठीक है वॉट इज द अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज रिक्वायर्ड बाय द स्टेक होल्डर ठीक है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है फिर उसके बाद मैं उसको अब कितनी सर्विसेज देनी है किस तरह से देनी है नहीं पूरी हो रही तो कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है मतलब देखो पेनल्टी का भी एक प्रोविजन होता है जैसे कि रिसेंटली बिफोर टू ईयर्स आपके जो ट्रैफिक चालान से देवर वेरी चीप रेडलाइट जंपिंग वॉर जस्ट हंड्रेड रुपी भरते रहो क्या हो गया भाई आपने फ्यूल बचा लिया समय बचा लिया आप अपनी मीटिंग में पहले पहुंच गए आपकी पांच लाख की मीटिंग हो गई तो सौ रुपए का लाइट जंप करने में क्या फर्क पड़ रहा था दे देंगे लेकिन उसके बाद जब ये पेनल्टीज बढ़ाई गई स्ट्रिक्टर की गई दो हज़ार ढाई हज़ार की पेनल्टी हो गई देन उसके बाद तीन बार से ज़्यादा अगर पेनल्टी है तो चलान कैंसिल हो जाएगा वो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा ओवर स्पीडिंग में आर सी कैंसिल हो जाएगी सो दिस इज़ वैद द डेटरेंस इज नाउ कमिंग अप अब आप एक पचास हज़ार रुपये कमाने वाले सिविल सिविल सर्वेंट को बोलोगे जी आपके डेटरेंस में सौ रुपये कटेंगे क्या कट जाए यार हज़ार रुपये कम पड़ जाएगी इससे ऊपर तो रिश्वत आ जाती है सर्विस ना करने की या जल्दी देने की ठीक है अगर सौ रुपये किसी का काम ना करके कटेंगे तो जिसका जल्दी कर दूंगा वो वो तो दस दे जाएगा। ठीक है? और वो penalty ना अप्रेजल लिंक होनी चाहिए द मोर पेनल्टी आर देयर इन योर अकाउंट उतना कम आपका अप्रेजल होगा उतने आपके प्रमोशन रोक दिए जाएंगे बिकॉज मनी तो आर नॉट वर्किंग फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज में कभी भी आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो तो आप काम कर रहे होते प्रेस्टीज के लिए तो जब आपकी प्रेस्टीजी स्टेक पे आ जाएगी तो फिर आप अपने आप काम करोगे तो दीज काइंड ऑफ पेनल्टी शुड भी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन नेचर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी तक सिर्फ फाइनेंशियल पेनल्टीज आती हैं फाइनेंस दो सौ रुपये काट लो तीन सौ रुपये काट लो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्लर्क को देखा ना अभी क्लर्क के घर से भी अस्सी अस्सी लाख रुपये निकल रहे हैं और वहाँ टीचर्स कैम्प में देख रहे हो कितना निकल रहा है ठीक है तभी दो हज़ार रुपये के नोट शॉर्ट है मार्केट में सारे चले गए आधे आर ले गई आधे होल्ड करने वाले ले गए बाकी हम लोग रहेगा दो सौ रुपये के नोट के साथ so this is where you can see then again adequate grievance redressal mechanism problem is not with regard to the implementation of the services problem जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ it is with regard to the grievance redressal mechanism जो फिर जो नहीं है और दूसरी सबसे बड़ी बात आ जाती है वन साइज डज नॉट फिट ऑल अच्छा ये एक कैसी अप्रोच है हर जगह चिपका देना वन साइज डज नॉट फिट ऑल भैया इतना बड़ा वाइड आपकी कंट्री है इतनी डाइवर्सिटी है तो वन साइज तो कहीं नहीं चलेगा तो सिमिलरली चाहे वह गवर्नमेंट सर्विसज हो चाहे वो अदरवाइज हो वन साइज डज नॉट फिट ऑल मतलब जैसी जिस एरिया की रिक्वायरमेंट वैसी वहां पे सर्विसेज को लेके पेनल्टीज देन अल्टीमेटली कमिटमेंट टू बी मेड फ्रॉम पीपल एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल तो पीपल तो ठीक गवर्नमेंट तो कर ही रही है पीपल को भी करना चाहिए ना कि भैया आप उन सर्विसेज को अवेल करेंगे करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे ब्राइब नहीं ऑफर करेंगे ठीक है सिमिलरली पीरियडिक इवेल्युएशन होगा एक तरह से एक एनुअल या फिर बाय एनुअल मीटिंग लाइक सिक्स मंथली मीटिंग हो सकती है क्वार्टरली मीटिंग हो सकती है जो पूरे के पूरे मेथड को प्रॉपर इवेल्युएट करे और उसमें जो भी चेंजेस हैं वो सब करे देन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा कोई भी लॉ जिसमें स्टेचुटरी गारंटी नहीं है वो लॉ मतलब ऐसा कोई भी मैकेनिज्म जिसमें स्टैचुटरी गारंटी नहीं है इश्यू हो जाता है कि वो बेसिकली फेल हो सकता है ठीक है अब जैसे कि एक इंफॉर्मेशन को लेके पब्लिक अथॉरिटी की बात की जा रही थी कि एक पब्लिक अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा अब ये बिल पेंडिंग है तो अभी हम पब्लिक अथॉरिटी वाला पॉइंट छोड़ देते हैं क्योंकि जब बिल आए वो हमारे हाथ में नहीं है हमने क्या करना है हम तो केस स्टडी में लिख रहे हैं कि एज अ सिविल सर्वेंट वॉट आई कैन डू तो माइनस आई वाला पॉइंट आप सब कुछ लिख सकते हो ठीक है फिर उसके बाद स्टिन चार्टर इन, इन इंडिया अब यही सारी प्रॉब्लम्स आई थी तो इन्हीं प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम हमने सोल्यूशन बिल्ड कर लिए कि चार्टर जो है वो कंसल्टेटिव प्रोसेस से नहीं बने थे चार्टर जो है लोग जो हैं सर्विस प्रोवाइडर ही अनफेमिलियर हैं लोगों को भी नहीं पता अवेयरनेस नहीं है तो दोनों साइड से अवेयरनेस नहीं है जिसको सर्विस देनी है उसको भी नहीं पता और जिसको सर्विस चाहिए उसको भी नहीं पता कि चार्टर एग्जैक्टली क्यों है एडिक्वेट पब्लिसिटी देखो सबसे बड़ी बात है चार्टर का सबसे पहला रूल ये होता है कि एवरी इंस्टीट्यूशन शुड हैव दैट चार्टर इन अ पब्लिक साइट मतलब जब आप उस प्रीमाइसिस में घुसो तो सबसे पहली नजर आपकी चार्टर पे जानी चाहिए अभी आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओगे आप तो फिर भी बेटर है सिचुएशन बिफोर ईयर ईयर पहले आपको वो चार्टर दिखता ही नहीं था बैंक्स में चले जाओगे तो होता ही नहीं था ठीक है मैनेजर से मांगोगे तो मैनेजर दे देगा नहीं तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है आपको सर्विस देने की ठीक है देन अल्टीमेटली चार्टर को लेकर सबसे बड़ा जो हर एक अच्छा ये फिनोमिनन है जो आपको फिर से सब्जेक्ट जगह चिपकाना है वो है फंड्स फंड्स रिमेन बिगर प्रॉब्लम इन एवरी डिपार्टमेंट इन एवरी सर्विस डिलीवरी सेटअप हर जगह आपको फंड की प्रॉब्लम रहती है कि जब फंड्स ही नहीं है तो फिर फंड्स के लिए देखो क्या होता है लेटर से बैंक के पास चार्टर्स आ गए हम बैंक का एग्जाम्पल ले रहे हैं बार बार अब बैंक क्या करेगा कंसल्टेशन होल्ड करेगा क्वार्टरली uh, बेसिस पे सारे एंप्लॉयज को बुलाएगा उनको बताएगा चार्टर अब एम्प्लॉयज को बुलाएगा तो एक दिन छुट्टी भी देगा फिर उनको उस दिन का एक सैलरी एक दिन का एक्स्ट्रा एक देना पड़ेगा भाई काम किया नहीं सैलरी मिलेगा देन उसके बाद उनकी चाय पानी होगी देन उसके बाद पब्लिसिटी होगी तो so, उन सब के लिए बैंक को तो फंड चाहिए बैंक्स के पास एक्स्ट्रा फंड्स ही नहीं है कोई मैनेजर अपने खर्चे से तो करेगा नहीं इट शुड बी टेकन आउट ऑफ द बैंक्स ओनली अब फिर अगर वो वा बैंक्स ऑलरेडी लॉसेज में और अगर इस तरह से पब्लिसिटी मैकेानिज्म में लग जाएगा तो फर्दर क्राइसिस आएगी तो फंड्स किसी डिपार्टमेंट के पास नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने के अब क्या होता है ना डिपार्टमेंटल लेवल पर क्राइसिस आती है गवर्नमेंट लेवल पर तो गवर्नमेंट एड्स दे देती है बट दोज एड्स आर अगेन प्रिंट एड्स अब प्रिंट एड्स के लिए वी नो इट वेरी वेल दैट सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन को न्यूज़पेपर से कोई लेना देना नहीं है आप उसको प्रिंट एड्स दे भी रहे हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है ठीक है न्यूज़पेपर सर्कुलेशन ही बता देता है कंट्री में कि कितना कम न्यूज़पेपर सर्कुलेशन है ठीक है हार्डली आपके रोज़ के एक करोड़ न्यूज़पेपर बिकते हैं प्रिंट में सारे मिला लो सारे सर्कुलेशन पर डे के हिसाब से किसी का आठ लाख किसी का चार लाख किसी का तीन लाख तो एक करोड़ से ऊपर तो है ही नहीं जिसमें रीजनल नॉन रीजनल दोनों आ जाते हैं तो एक करोड़ की पॉपुलेशन में एक करोड़ अखबार मतलब इट हार्डली मेक सेंस कि आप प्रिंट में अगर दे भी रहे हो तो इट इज नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ सेंस यानी आप उन्हीं को ऑलरेडी टारगेट कर रहे हो जो ऑलरेडी सर्विसेज अवेल कर पा रहे हैं ठीक है